बच्चों कैसे हो आप सब। तो बच्चों हमारा चल रहा है पाठ 9 पहले मैं। मैंने आपको कल ये पाठ पढ़ाया था, इसके शब्दार्थ समझाए थे और प्रश्न नंबर 1 हमने सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ जो मैंने आपको किताब और कॉपी में दोनों में करने के लिए दिया था। आई होप आपने वो कर लिया होगा। तो बच्चों हम आज इसके क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रश्न उत्तर। आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें रविवार का दिन है, बहुत सुहावना मौसम है, बच्चों ने क्या खेलने का मन बनाया है, क्रिकेट खेलने का मन बनाया है, जिसमें उन्होंने अपने दीपक अंकल को अंपायर बनाया है। लेकिन इस टीम में दो टीम बनती हैं, सोना टीम एंड हीरा टीम। और इन दोनों टीमों में क्या होता है, लड़ाई होती है, किस बात के लिए कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। तो इसके भी अंपायर ने जो लड़ाई हो रही थी उसको सुलझा दिया, एक तरकीब बताई इनको, सिक्का उछाल कर उन्होंने टीम भी इनकी कि पहले कौन बल्लेबाजी करेगा। तो पहले आया था हीरा टीम में बल्लेबाजी करेगी। अब हीरा टीम के खिलाड़ियों में क्या हुआ, किस बात पर लड़ाई हुई कि टीम में पहले बल्लेबाजी कौन करेगा, पहले मेरा नंबर करने के लिए सब में लड़ाई होने लग गई। इसको भी इन्होंने सुलझा दिया एम्पायर ने, दीपक अंकल ने, कि 11 पर्चियां बनाई और 11 पर्चियों पे 1 से लेके 11 तक की संख्या डाल दी। पर्चियां सबके पास एक एक पर्ची चली गई, जिसके पास जिस नंबर की पर्ची आई वो उसी नंबर पर खेलेगा। तो कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उनके क्रिकेट की टीम को सेलेक्ट किया, उनको खेलने के लिए बताया कि कौन पहले खेलेगा और कौन सी टीम पहले खेलेगी। अपनी सूझबूझ से अंपायर ने ये खेल और बच्चों ने बहुत ही आनंद के साथ इसको क्रिकेट को खेलना शुरू कर दिया। तो ये था आपका पहले में पाठ 9। और अब हम करेंगे आज इसके प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें क्या बताने हैं, उत्तर बताने हैं। जब आपने अपना पाठ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी परेशानी नहीं होती। सबसे पहले हमें अपना पाठ समझना पड़ता है। अगर हमें पाठ अच्छे से समझ में आ गया तो हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो है का दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी। दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी। दो टीम थी जो लड़ाई हो रही थी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उन्होंने क्या तरकीब निकाली थी कि टीम पहले कौन सी बल्लेबाजी करेगी। तो उत्तर है दीपक अंकल ने, कौन थे अंपायर, सिक्का उछालकर टीम चुनी। उन टीम का निर्णय उन्होंने कैसे किया था, सिक्का लिया था, उसको उछाला था और बता दिया था कि सिक्के में जो शेर वाला आएगा वो टीम पहले खेलेगी। तो इस प्रकार हीरा टीम को खेलने का, बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। प्रश्न नंबर 6 है, बल्लेबाजी का क्रम किस प्रकार तय किया गया। फिर क्या हुआ था, जो हीरा टीम जब खेलने के लिए पहले नंबर पे आ गई थी उसमें जो खिलाड़ी थे उनमें लड़ाई होने लगी कि पहले मैं खेलूँगा। इस चीज़ का क्रम कैसे बनाया दीपक अंकल ने, बल्लेबाजी का क्रम कागज की 11 पर्चियाँ बनाकर तय किया गया। इस लड़ाई को उन्होंने कागज़ की 11 पर्चियाँ बनाई थी जिन पे 1 से लेके 11 तक उन्होंने नंबर लिखे थे और सारी पर्चियाँ एक एक बच्चों को दे दी थी, जिसका जो नंबर आया था उसने उस नंबर पे बल्लेबाजी की थी। अब प्रश्न नंबर 10 है, हमें किस भावना से खेलना चाहिए। तो हमारी जो खेल में भावना होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो हमारी खेल के अंदर भावना कैसी होनी चाहिए। देखिए उत्तर है, हमें समझदारी से खेलना चाहिए। हमें जो खेल हम खेल रहे हैं उसको समझदारी से खेलना चाहिए, लड़ाई झगड़े के साथ नहीं खेलना चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए और धोखे धड़ी के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। फिर वो खेल
पूरा नहीं होता है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन हर कोई समझदारी से खेलेगा तो खेलने में भी अच्छा लगता है और हमारा खेल भी बहुत अच्छे से पूरा होता है। तो बच्चों आज हमारा ये पाठ 9 पहले में जिसके हमने प्रश्न उत्तर करे हैं, जो आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में करना है, याद भी करना है, पाठ को समझना है, शब्दार्थ याद करने हैं, और जो मैंने प्रश्न 1 कराया था सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ वो भी आपको कॉपी में कल करना था, आपने कर लिया है वो गृह कार्य में। और आज का आपका गृह कार्य है ये प्रश्न है जिनको आप अपनी कॉपी में करोगे। तो कल की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं इसी पाठ को लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।